Babinya. हाँ? अरे रात हो गई। हाँ? अभी तक ढूंढने नहीं आए कोई अपने को। अरे हम यहाँ छुप के बैठे, उन्हें पता ही नहीं होगा। उनकी तो ऐसे हम कितने दिन छिपके बैठेंगे। हाँ रे, आज या कल उनकी पकड़ में आएंगे हम। पर मुझे एक बता, गुरुजी ने हमें बराबर पहचाना कैसे? पहचानने का जोड़ दे रहे। हाँ? मुझे एक आइडिया सूझिए। ये देख बबन। हाँ? हमने दीवार तोड़ दी, ये सच है। हाँ सच है। गाँव वालों ने हमें पहचान लिया, ये भी सच है। हाँ हाँ। गाँव वाले अपनी हड्डी तोड़ देंगे, ये तो सोला ने सच है। तो मैं कहता हूँ रात ही रात हम अगर दीवार वापस बांध दे तो अपनी पिटाई भी नहीं होगी और हड्डियां भी सलामत रहेंगी। वो सच है, पर क्या एक रात में ये हो जाएगा? तेरी तो बबने, तू और मैं वैसे देखा जाए तो काम में शेर है। अरे हमने ठान ली तो क्या कर दी। चल चल, रात हुई है, अभी जाके कर ले। चल चल, चल। बबनिया, किसकी आवाज है? क्या मालूम, कौन बोल रहा है? अरे भूत भी तो होगा। अरे भूत होगा तो एक ही होगा ना, यहाँ तो बहुत गड़बड़ है। भूतों की मीटिंग वीटिंग है क्या? चल देखते। ए तू चल आगे, मैं तो पीछे पीछे। चल चल चल, रुके रुक, बुझाने दे, रुक बुझाने दे। खाना हो गया सबका? हाँ, बच्चों को तो खिलाना ही चाहिए ना। हाँ वो भी ठीक है। हाँ ये ऐसे कर। हाँ ठीक है, वैसा ही कर रही हूँ मैं। आप ठीक है ना? हाँ हाँ थोड़ा। हाँ 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 बराबर है। चलो चलो ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा तो अच्छा है ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ खा लेंगे, क्या जल्दी है, पहले काम खत्म करते हैं। हाँ अरे रेखा रेखा रुक रुक, क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब, गोएठे तो अप रही हूँ। अरे पर वो किस पर लगा रही है, ये देखा क्या तूने? अजी ये काम क्या मैं पहली बार कर रही हूँ, गोएठे तो दीवार पर ही लगा देते हैं ना, उसमें क्या बुरा कर रही हूँ मैं? अरे पर ये अभी मामूली दीवार नहीं रही है, राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने उस पर क्या लिखा है वो पढ़ा क्या तूने? अजी मैं पढ़ी लिखी होती तो गोएठे लगाते बैठी होती क्या? हुई होती ना बैरिस्टर। यही गलत है। अरे पढ़े लिखे गोरे लगा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। वैसे ही पढ़ना है तो बैरिस्टर होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नियम नहीं। ये देख, हमें पढ़ना तो इसलिए है क्योंकि हमें अपने रोज के जीवन में भले बुरे की समझ होनी चाहिए, कोई हमें ना फंसाए इसलिए। अजी मुझे कोई क्यों फंसाएगा, मुझे फंसा के किसी को क्या फायदा, आपका तो कुछ भी। अरे रुक 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 रेखा रुक, ये देख तुझे अगर पढ़ना आता नहीं तो मैं पढ़ के सुनाऊं चलेगा? पर मैं पूछती हूँ आपको इसकी चिंता क्यों? ये देख मेरा छोड़, मगर यहाँ की सब माताओं को क्या लगेगा ये तो सोचेगी कि नहीं? यानी ऐसा क्या लिखा है उस पर? अरे वही तो मजा है, पढ़ना नहीं आता तो समझ में नहीं आता है। सुन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। पढ़ी हुई माँ ही घर को संवारे। इसका मतलब क्या? मतलब ऐसा है, माता अगर पढ़ी लिखी होगी तो घर की उन्नति होगी, सब अच्छे बनेंगे। ऐसा क्या? पर अब वो कैसे होगा? वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये फेंक नीचे फेंक नीचे। हाँ इधर आओ आओ बैठे। हाँ ये देख मुझे बता, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा अपने काम खुद करता है क्या? अजी ऐसे कैसे होगा, वो उस उम्र में कैसे करेगा? तो फिर उसकी देखभाल कौन करता है? कौन करता है यानी? माँ करती है, घर के बड़े बूढ़े लोग करते हैं। मगर उन्हें ये किसने बताया कि ये उन्हें करना है? अब इतना भी मालूम नहीं, अजी उनके माँ बाप ने बचपन में उनका सब कुछ किया ही होगा ना। यानी सारी बातें पैदा होते ही समझती है ऐसा नहीं है? यानी घर के औरतें घर के बुजुर्गों ने उन्हें पढ़ाया होता है। हाँ, है कि नहीं? हाँ, हाँ, अब मुझे ये बताओ, तुझे बच्चे होंगे है? वो पढ़ाई करे,
तेरी बोली में बैरिस्टर बने ऐसा तुझे लगता है कि नहीं? हाँ तो फिर उन्हें पढ़ाएगा कौन? हाँ घर में पढ़ाएगा कौन? ये देख अगर तू पढ़ी लिखी होती ना तो उसे पढ़ाना, उसके इम्तिहान की तैयारी कर लेना, ये सब काम तू कर सकती है। पर गुरुजी होते हैं ना स्कूल में। मैं यही कहना चाहता हूँ, मगर बच्चे तो स्कूल में गुरुजी के पास दिन के 4-5 घंटे होते हैं और गुरुजी को हर एक बच्चे पे ध्यान देना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वहाँ कई बच्चे होते हैं। इसलिए उन्हें अगर माँ की ही घर में पढ़ाती है तो बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से हो सकती है। ये देख ध्यान में रखो, बच्चों का भविष्य बनाना या बिगाड़ना ये काम माँ का ही होता है। हाँ अब तुझे क्या समझेगा, पढ़ाई से ही ये सब कुछ समझ सकती है। पढ़ाई का, खास करके स्त्रियों की पढ़ाई का महत्व उस पर लिखा है। ओए माँ ऐसा है क्या? मुझे क्या पता था गुरुजी। हाँ इसलिए कहता हूँ पढ़ो, साक्षर बनो, अपना भविष्य खुद बनाओ। हाँ? तेरा चलने दे, मैं चलता हूँ। किस ख्याल में खो गई है? अम्मा इतना क्या सोच रही है? दत्ता की कोई चिट्ठी आई नहीं अब तक? क्यों री ऐसे क्यों पूछ रही है? रखमा कब आएगी वो समझेगा, इसलिए पूछा। याद आ रही है उनकी? वैसा नहीं पर क्या? रखमा आ गई तो शंकर की खाने पीने की चिंता दूर होगी। तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना उसे 2 वक्त का खाना बना के देने के लिए। नंदाल लोग बहुत बुरे होते हैं, कुछ भी बकते हैं। किस बारे में? अब देखना तू रोज खाना बनाने के लिए उसके घर जाती है ना, इसलिए। कौन बोलता है ऐसे, सिर्फ नाम तो बता। अब लोगों की जबान हमारे के मुंह लगेंगे क्या? बाजार गई थी तब जागन भवन कुछ भी बोल रहे थे,
अरे अम्मा, जगन और बबन गांव के मावाली लोग हैं, उनका क्या कहना सुनती है तू? तेरा मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? ऐसा नहीं नंदा, पर हाँ, मैं आपको जानी नहीं दूंगी। मैं तेरी बात सुनूंगी तो मेरे पोते से हाथ धो बैठूंगी। महिला मंडल में चार अक्षर सीखने जाती है, इसीलिए होशियारी दिखाती है क्या? मैंने क्या होशियारी दिखाई? तो भगत को बुलाने को ना क्यों कहती है? हा? माँ जी, बच्चे को जुलाब हो रहे हैं, उसे दवा देना चाहिए। भगत का क्या काम उसमें? यही यही होशियारी दिखाना कहती हूँ मैं। अरे बच्चे को कुछ बाधा हुई है, दोपहर को पेड़ के नीचे बैठ के उसे दूध पिला रही थी ना तू, इसका इलाज डॉक्टर क्या करेगा? मैं कहती हूँ कि भगत के सिवा मेरा पोता ठीक नहीं होगा, बोलती हूँ। जब वो नीलू के बच्चे को जुलाब हो रहे थे तब क्या किया भगत ने? हाँ, हूँ करके चला गया पैसा लेकर, और बेचारा बच्चा जान से गया ही ना। बच्चा भगत की वजह से नहीं मरा है, नहीं मरा है। दो दिन पहले अगर भगत को बुला लेते ना तो बच्चा बच सकता था, मालूम है? ये देखिए, मैं वैसा कुछ भी नहीं करूँगी, मैं नंदा दीदी ने दी हुई दवा पिलाऊंगी। कैसे पिलाती हूँ देखती हूँ मैं। आप दवा का असर तो देखिए, ऐसा क्यों कर रही है आप? तू ही पी लेना दवा, मैं जाती हूँ भगत को लाने। ओ मौसी, कितना भड़क रही हो, जुलाब के लिए भगत की क्या जरूरत? अभी बंद करवाती हूँ। यहाँ बैठिए, शांत हो जाइए और सुनिए। हाँ बोल। ये लो पुड़ी। दवा की? दवा नहीं, इसे ओआरएस कहते हैं। ओआरएस? रेखा दीजिए, जरा पानी लेके आना। जुलाब होने से शरीर का पानी कम होता है, उससे खतरा हो सकता है, इसलिए जितनी बार जुलाब होंगे उतनी बार ये पानी पिला दो। शरीर से जितना पानी कम होता है उतना ही पानी शरीर के अंदर जाना जरूरी होता है। लाइए वो। हाँ। ये पाउडर है ना, ये इसमें खोल दी ऐसे। अब ये पानी बच्चे को गोदी में लेकर थोड़ा थोड़ा पिलाते रहना, एक एक चम्मच। और क्यों जी, उस भगत को किस लिए बुला रहे थे आप? अरे बच्चे को वादा हुई है, इसलिए भगत चाहिए। अरे मौसी, ये गर्मी के दिन है, रोग के जंतु पेट में जाने से जुलाब होते हैं उन दिनों, और अभी तो वो रेंगने लगा है, कहीं कहीं जमीन चाटेगा, कहीं कहीं मुंह में मिट्टी डालेगा, तो रोग के जंतु पेट में जाके जुलाब होते हैं। मेरा मानो, बच्चे को लेके जाने दो डॉक्टर के पास, पर वो पानी पिलाना चालू रखिए। हाँ, और आलतू फालतू भूत करने का सोचिए भी नहीं। हाँ, तो करा महाराज ने कहा है ना, नहीं जोखाई जोखाई माया रानी वे साबाई, वेताला फेताला उसका मुंह जले काला। दयारी दया, कितनी होशियार है मेरी बच्ची, तू कराम के दोहे भी याद है उसे, और सही जगह पर इस्तेमाल भी करती है। तो तुकारा महाराज से गाड़गे महाराज तक सबने हल्ला कर दिया अंधश्रद्धा पर अपने लोग छोड़ेंगे क्या? वो कैसे छोड़ेंगे? छोड़ेंगे, वो भी छोड़ेंगे, एक बार औरतें समझदार बनी तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए पहले पढ़ाई करो, और ये सब बातें भी तो पढ़ाई का ही एक भाग है ना। साक्षरता मुहिम यानी सिर्फ अक्षर सिखाना नहीं, लोगों को सच्चा ज्ञान दे के जगाना होता है। क्या जगाना होता है? जगाना यानी अपने आसपास होने वाली घटनाओं का सही सही ज्ञान करके देना, किस वजह से क्या होता है ये समझा देना, हम अपने सवाल कैसे हल कर सकते हैं, ये सब साक्षरता वर्गों में सिखाते हैं। तो अभी रेखा दीदी को जाने दीजिए डॉक्टर के पास, और हम जाते हैं हमारे काम पे। हाँ, चलो मंजुला मौसी, तुम आ रही हो ना मेरे साथ, या जा रही हो भगत के पीछे? उस भगत के तो दो कान के नीचे बजाने वाली हूँ मैं, अभी जाओ क्या? प्रहार करो, पर अंधश्रद्धा पर, इंसान पर नहीं। दीदी आ गई। क्यों री, तेरा बच्चा ठीक है ना? हाँ ठीक, डॉक्टर से दवा ले आई और पानी तो दे ही रही थी ना, अब आराम से सोया है, और माँ जी भी खुश है, कह रही थी कि मैं देखती हूँ बच्चे को, तू जा सबके साथ काम पे, तो चली आई यहाँ। यानी लगता है माँ जी खुश हो गई, पर वो कैसे? आपने ही तो वो मेरे बच्चे को क्या कहते हैं,
हाँ ओआरएस का पाउडर का पानी पिला था ना, उससे जल्दी आराम पड़ा। डॉक्टर तो कहने लगे ये पानी पिलाना यही पहला उपाय है। आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो हैजे की बीमारी जल्दी से जल्दी चली जाएगी, ऐसा भी कहा। फिर क्या, माँ जी तो एकदम खुश और बोली, देख मैंने बराबर बोला था ना कि ऐसा पाउडर ले क्या करके, हाँ कमाल ही हो गया। फिर उनसे भगत की बात छेड़नी थी ना तूने? वो किस लिए, उन्होंने अपना कहना मान लिया, इतना अपने लिए काफी नहीं है क्या? सिर्फ यही नहीं, और दो चार औरतों को भी कह दिया है, और महिला मंडल में भी आने वाली है। नाले का दूषित पानी का बह जाना ये आधा काम हुआ, शुद्ध और साफ पानी मिलना ये और एक काम हो जाएगा, तभी पानी की समस्या हल होगी और पानी से फैलने वाली बीमारी खत्म होगी। वो भी करेंगे ना, पंचायत में चुन के आई हुई हमारी दीदिया है ना। कौन? दीदिया। दीदिया यानी बहने। तू क्या मेरा मजाक कर रही है क्या? नहीं नहीं, एकदम दीदिया कहा ना तो अजीब लगा। अब है क्या, माँ बहने कहना तो हम जैसे अनपढ़ औरतों को, पंचायत में चुने औरतों को दीदिया ही कहना पड़ेगा ना? ऐसा क्या कायदा है? हाँ है तो, सब अभी नहीं कि हर कोई मेरे भाई बहनों ऐसा बोल के शुरुआत कर देता है। अच्छा अच्छा, तो अब आने वाले चुनाव में मंजुला बाई खड़ी रहने वाली है, ये आपकी समझ में आया होगा, इसीलिए वो भाषण दे रही है। मैं सिर्फ भाषण नहीं देती, चुनाव में खड़ी रह के चुन के भी आऊंगी और सरपंच का चुनाव भी लड़ूंगी, देखती रहोगी। नंदा की माँ आओ क्या? मंजुला भाई आओ ना अंदर। नंदा नजर नहीं आ रही। अरे आप तो वो मुझे भी ईद के चांद के जैसी हुई है, सिर्फ खाने के लिए घर में आती है, जब देखो घर के बाहर, आज कहा तो कॉलेज में और कल कहा तो महिला मंडल में, नहीं तो साक्षरता वर्ग में, हमेशा भागदौड़ में ही रहती है। अरे आपकी बेटी बहुत होशियार है, आपकी वाह वाह कर देगी। अब जिसकी वाह वाह होनी चाहिए थी वो तो गुजर गए, उनके पीछे मैंने उसे पाला पोसा, अब आगे क्या होगा ये भगवान ही जाने। उनकी बहुत इच्छा थी बेटी को पढ़ाने की, मुझे हमेशा कहते थे ये मेरी बेटी नहीं बेटा ही है, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा, डॉक्टर नहीं करूंगा। तुम किस लिए आंसू बहा रही हो? तुमने क्या नहीं किया उसके लिए? एक बाप नहीं करेगा इतना कर रही है उसके लिए। मंजुला बहन अब उसकी शादी हो गई तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, रास्ते का मुसाफिर भी उसको उठा के लेके जाएगा। मैं किसे मुसाफिर को ले जाने दूंगी? मैंने ऐसे ही कहा, अपना शंकर है ना। सचमुच बहुत अच्छा लड़का है वो। अरे पर उसकी माँ को पसंद होना चाहिए ना। नहीं नहीं पारू भाई, उसकी माँ रखमा भाई बहुत अच्छी औरत है। कौन अच्छा है, तेरी सास? क्या मंजुला मौसी, तुम कल शाम को आने वाली थी ना मंजुला मौसी? ओ माँ वही तुझे दिखाने आई थी, दिखाओ ये देख। अरे वाह वाह वाह, क्या रे भीमा दादा, अरे तालुका से कब आया? अभी आया। हाँ शिक्षा अधिकारी से मिला? किताबें कितनी मिली? 50। 50 और पार्टियां? 30। शाबाश, अब तुझे एक काम करना है, जिनके पास किताबें नहीं है ना उनकी एक लिस्ट तैयार करना और उनको किताबें दे देना। हाँ और वैसे ही जिनके पास पार्टियां नहीं है उनकी भी एक लिस्ट तैयार करना और उन्हें पार्टियां दे देना। पर क्या रे भीमा दादा, कर सकेगा ये सब? अब ये बक्सा लेके ग्राम पंचायत के ऑफिस में रख देना। चल। अच्छा नंदा चाची, ए शाने मैं क्या इतनी मोटी हूँ क्या? तू है क्या? बैठ बैठ ना बैठ।
कब आया? और थोड़ा समय तू नहीं आती ना तो मकड़ी ने मेरे ऊपर जाल बुन दिया होता। नाराज हो गया? अरे औरतों को पढ़ाते पढ़ाते देर हो गई। अच्छा क्या सुधार है? अच्छा है, सब सच्चे दिल से पढ़ रही है। अच्छा बताओ मुझे यहाँ किस लिए बुलाया था? कुछ नहीं। ए शानी, अरे कुछ तो कहना था इसलिए मुझे यहाँ बुलाया था ना? नहीं रे, कुछ भी नहीं। ये देख, इतनी अनजान मत बना, जो बताना है वो चुपचाप बता दे। वो हमारा सीक्रेट है। अब कहती है या कान पकड़ू तेरा? छोड़ 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 छोड़। अरे मेरा कान तोड़ने का इरादा है क्या तेरा? पर अब तेरा कान पकड़ने का अधिकार मुझे मिलने वाला है। वो कौन देगा? तेरी माँ और मेरी माँ। मतलब? यानी कि मेरी माँ ने तेरी माँ को शहर में खत भेजा है। और वो किस लिए? अपनी शादी के बारे में। हाँ तेरी की, इतना ही ना? क्यों, तू खुश नहीं हुआ? खुश हुआ, पर वो अभी मुमकिन नहीं है। क्यों? नंदा ये तुम मुझे पूछ रही हो, इसी का मुझे आश्चर्य हो रहा है। अरे मैंने बचपन में एक सपना देखा था, याद है तुझे? अपना गांव पूरा साक्षर करेंगे, और उसमें तू भी तो शामिल थी ना? अरे पर वो काम तो चल रहा है ना। अरे पर पूरा गांव अब तक साक्षर कहां हुआ है? ये देख, जब तक पूरा गांव साक्षर नहीं होता और गांव में गणेश जी आते नहीं, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। क्या जगन्या, देखा क्या पूरा महिला मंडल कैसे काम कर रहा है वो? हाँ, अब खाना पकाना हमें ही करना पड़ेगा। अरे कलयुग है बाबा, कलयुग है। इस शंकर ने तो कली को लाया गांव में, पूरे गांव को बर्बाद कर दिया। नहीं पर मैं क्या कहता हूँ, ये सब औरतों के काम है क्या? क्यों रे, ये क्या बचपना लगा रखा है हाँ? अरे इंदिरा गांधी ने इतने बड़े देश का कारोबार चला दिया, तब नहीं कहा ये औरतों का काम नहीं है? मौसी तब वो छोटे बच्चे थे। ऐसा अपने जिला परिषद में जो दीदी है उनके पास काम के लिए गया था तब? भाभी का तबादला करने के लिए ना? हाँ हाँ, तब नहीं बोला रे कि ये काम औरतों का नहीं है वो, और तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं होता तो हमें आगे नहीं आना चाहिए? आखिर तो घर का क्या और बाहर का क्या, संसार तो औरत ही चलाती है ना। चलो मंजुला मौसी, काम इंतजार कर रहा है। खाली पेली क्यों ऐसे कामचारों के साथ बात कर रही हो? चलो तुम भी देखो अब और किधर टांग अड़ाने को मिलती है वो। चलो चलो। जगन्या क्यों रे ऐसे चुपचाप बैठा है? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों रे? अरे हम इन गांव वालों को इतना सताते हैं, उनके काम में बाधा डालते हैं, उनकी छेड़छाड़ भी करते हैं। हाँ फिर? पर अपने बर्ताव से चिढ़ते भी नहीं और उनका काम छोड़ते भी नहीं।